बाद में देखना चाहिए उसको। नाइटल एनिमेशन हमारा कैसे उठ आना चाहिए, नाइटल एनिमेशन का उसमें बहुत ही मतलब कमी नाइटल एनिमेशन का हमारा तो लेकिन अभी हम कुछ सिंपल एनिमेशन कर रहे हैं। क्या करता हूँ मेरा ये जो टेक्स्ट है वो ये साइड से ऐसा आना चाहिए, मैं फर्स्ट इस पर क्या करूँ क्लिक करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा पोजीशन है, इसकी पोजीशन मुझे चेंज करना है। मैं क्लिक किया यहाँ फर्स्ट में, ये मेरा फर्स्ट का पोजीशन है, कितने सेकंड के बाद रहना चाहिए फर्स्ट मेरा यहाँ पे से एक सेकंड तक, मेरा एक सेकंड के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए। पहले मेरा जो जीरो फ्रेम था जीरो में मेरा टाइटल यहाँ नहीं चाहिए, मेरा गायब रहना चाहिए, टाइटल मेरा आना चाहिए साइड से, ये साइड से नीचे ऐसा एनिमेट होके आना चाहिए, ठीक है। मैंने जब क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने इसको एक सेकंड में ड्रैग कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सेंटर वाला ही है। अभी मैं पोजीशन पे क्लिक कर ये साइड विड्थ का है या हाइट ऊपर का है, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ऑटोमेटिक यहाँ पे की जल रही, ठीक है। फिर मैं जब इसको प्ले करूँगा मतलब ये की तक आने तक मेरा सेंटर में आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे इसको सेट करके रखा बराबर ना, ये मैंने यहाँ पे पाँच आ रहा है, ये चीज़ क्या है तो थोड़ा स्मूथली आता है। ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसमें भी है यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी इन कर देता हूँ, ये आएगा फास्ट लेकिन जाएगा स्लो, ठीक है, स्लो थोड़ा स्लो हो जाता रुक रुक। अभी क्या होता है मेरा जब टाइटल मेरा जब खत्म होता है उसी टाइटल में मेरा ब्लरनेस खत्म हो जाता है, मेरा टाइटल जैसे जैसे आया अब टाइटल मेरे यहाँ पे दिख रहा है, टाइटल यहाँ पे आ गया मेरा, मैं क्या करूँ हाईलाइट कर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरा ये आया, अब यहाँ पे मैं एक क्लिक और करूँगा स्केल, मैं क्लिक किया जब मेरा ये आ गया यहाँ पे रुका क्लिक किया, मैंने यहाँ पे स्केल किया, स्केल पे क्लिक कर दिया 100% और मैं 5 सेकंड यहाँ पे मेरा ये ट्रिक्स है, मैं क्या करूँगा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ, जब मेरा टाइटल दिखे तब तक थोड़ा सा ऐसा बढ़ते हुए दिखा और जैसे उसको ब्लडनेस खत्म हो रहा है मेरा टेक्स्ट जो है ना हटना चाहिए, हटना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जहाँ पे मेरा ये ब्लडनेस खत्म हो रहा है, कितने सेकंड में खत्म हो रहा है, इतने सेकंड मैं इस पर क्लिक किया, इसका इफेक्ट देख गया 5 सेकंड यहाँ पे इसका ब्लरनेस पूरा खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको ब्लरनेस वाले में टेक्स्ट पीस में ओपेसिटी में गया और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इसे क्लिक करके क्या करूँगा इसको करूँगा जीरो, ठीक है। बट ये जीरो हो गया तो ये पूरे में जीरो हो गया, ये हो पाया क्योंकि मैंने इसके आगे कोई भी सेट नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको 4 सेकंड में वापस आऊँगा, 4 सेकंड में वापस आऊँगा और मैं 21 सेट करूँगा जहाँ पे वो मेरा ओपेसिटी फुल रनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मैंने 100% कर दिया, तो मेरा 1 सेकंड के बाद ये वीडियो जो है टाइटल का ओपेसिटी जीरो हो जाएगी, ओपेसिटी है राज्य में संतुलन बने रहना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं सर डालने हटाने की जानने की, वहाँ पे ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को हटाने के लिए, ट्रांजिशन दिख रहा है।
तू वीडियो को ब्लैक कर रहे हो, तू मेरे को नहीं चाहिए, ये ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना हो सकता है कहाँ पे कैसे यूज करना। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है वो जो मैंने किया है, ओबेसिटी को डाउन करना, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, ओबेसिटी डाउन करेंगे तो धीरे धीरे चला जाएगा, पहले पीछे वाली चीज ऊपर उठ के आ जाएगा। देख लेने का ध्यान से कि मेरे बैग में आप क्या किया। ये हटा दिया क्या सोशल मीडिया का पोस्ट बना हेलो
फॉलो आएगी क्लासेस के बाद एक सोशल मीडिया पेज को पोस्ट डालने के लिए बना इसलिए इरफान भाई रिपायर क्लासेस का क्या क्या एक से लेकर 10 तक लोगों को पढ़ाते हैं ठीक है Thank you.
एक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा तो एनिमेट एनिमेट होने लगेगा, अभी एनिमेट नहीं होगा। Thank you.
शांत हो जाओ पहले। कल क्या है पता है सब लोगों को क्या है? 26 जनवरी को क्या हुआ? शांत हो जाओ पहले सब लोग। एक सबको नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तब जवाब दूंगा, ठीक है? कल क्या था किसी से बिल्कुल क्या रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे मतलब क्या? किसको पता रिपब्लिक डे का पूरा मीनिंग? किसको पता रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? नेशनल फेस्टिवल क्यों बोलते हो? किसको पता? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं बच्चे सलमान तो नहीं, जिसको पता है वो हाथ उठो, हाथ उठो। किसको पता है? किसी को नहीं पता। हमारे देश में इंडिया में 3 फेस्टिवल नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार जिसको बोलते हैं, हमारे जो ईद दिवाली होली ये सब त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल नहीं, ये हमारे पर्सनल है। बट क्या है नेशनल फेस्टिवल? 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ये 3 नेशनल फेस्टिवल हमारे देश के। तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसका रीजन आधा क्या था? बच्चों को बताओ। ऑन 26 जनवरी 1949 अवर कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, मींस अपने देश का कानून, मींस संविधान जो है 26 जनवरी 1949 लागू हुआ। बताओ बच्चों बताओ। इसीलिए उस दिन हमारे देश के बारे में मींस मिलिट्री आर्मी नेवी सबका प्रदर्शन होता है, मिलिट्री पावर दिखाते हैं, परेड होती है और हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा चढ़ाते हैं। संविधान क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोग बड़े हो रहे हो, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हो, तो हमारे जो देश के बारे में हिस्ट्री के बारे में सबको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हमारे देश को आजादी मिली थी, सबको पता है राइट? तो 200 साल अंग्रेज जब यहाँ पे शासन करके चले गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमारे देश के नेताओं ने आपस में ये किया कि अब देश को चलाना कैसे, तो देश के लिए उन्होंने मीटिंग की और संविधान का निर्माण किया, कानून बनाया, देश को कैसे चलाना है। तो उन लोगों ने जब 2 साल 18 महीने और 11 दिन 2 साल 18 महीने और 11 दिन उन लोगों ने पूरा विचार विमर्श दिमाग लगा के बड़े बड़े नेता और विद्वान थे उनको उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना कलाम जी थे, तो उन लोगों ने सब मिलकर एक किताब लिखी संविधान, ठीक है, भारत का संविधान, उसके अंदर हमारे देश का कानून आता है, हम कानून को कैसे फॉलो करते हैं, हमारे समय पे नागरिकों को क्या अधिकार दिया गया, हम लोगों को अधिकार दिया गया, क्योंकि समय पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन आजाद होने के बाद हमको अधिकार मिला। हमको अधिकार क्या मिला? कि हम अपने देश के नेताओं को खुद चुन सकते हैं। हमें यह अधिकार दिया गया कि हम अपने देश को चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? कि हम अपने देश के नेताओं को अपने वोट के अधिकार से हम चुनेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, कैसा होगा। तो अधिकार किसको मिला? प्रजा को, जनता को। तो उस समय में जनतंत्र बना, प्रजातंत्र बना, लोकतंत्र बना, हमको आजादी मिली, हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले। तो ये जो 26 जनवरी है, ये जब संविधान बन गया 2 साल के बाद, संविधान उन लोगों ने तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद उस समय पे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, किसको पता हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है, उसको उस समय फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेरी गुड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनके पास आके कहा भाई हमारे हमने ये बुक लिख ली है आप देखो। उन्होंने देखा और फिर उस बुक को क्या किया, उन्होंने लागू किया। किस दिन लागू किया? 26 जनवरी 1950 ठीक है 26
25 जनवरी को वो लागू करने का रीजन ये था। पहले तो एक बन के जब तैयार हुई थी 26 दिसंबर को नवंबर बन गई बनके उन्होंने सबमिट कर दिया था कि हमारी किताब रेडी होगी, बट उन्होंने लागू कब किया 26 जनवरी 1950। उसके पीछे रीजन ये था कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे देश के नेता 26 जनवरी 1930 को ही पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। उस दिन ही घोषणा कर दी थी कि हम आजाद हो गए, और हर साल वो स्वतंत्रता दिवस पहले से ही सेलिब्रेट करते आते थे 26 जनवरी को। लेकिन आजाद नहीं हुए, आजाद हुए कब? 15 अगस्त 1947। तो 26 जनवरी का एक इम्पोर्टेंस डे था उन लोगों के नजर में। तो उन्होंने क्या किया, जब संविधान हमारा संविधान बन के रेडी हो गया तो 26 जनवरी को उन्होंने लागू कर दिया। तो 26 जनवरी तक से हम रिपब्लिक डे एवरी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जैसा उस बच्चे ने कहा कि 26 जनवरी को झांकियां निकलती हैं, रैली होती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, वो तो एक फॉर्मेलिटी से हम लोग करते हैं। अपने देश के बारे में, देश की सभ्यता के बारे में, क्या है संस्कृति के बारे में, अपने सेनाओं के बारे में, सैनिक के बारे में, सब कुछ वहाँ पे 26 में दिल्ली में दिखाते हैं, टीवी में सुबह देखते हैं। एवरी 26 जनवरी को सुबह उठते हैं, परेड देखते हैं और झंडा फहराते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन हमको एक्चुअल पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज पता होनी चाहिए, सही और गलत की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग समझदार हो, बच्चे हो, कल के भविष्य हो। ठीक है, किसी के कभी बहकावे में नहीं आना है, कोई क्या कहता है कभी किसी की गलत गलत बातों पे नहीं आना है, सही चीज का फैसला करना है। आप लोग आजकल देख रहे हो देश में बहुत कुछ चल रहे हैं, बहुत आजकल बहुत कुछ आजादी के नाम पे आप लोग टीवी देखते हो, न्यूज चैनल देखते हो। ठीक है, बहुत सारे नेता लोग आजकल दुनिया भर में प्रधान बातें करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, हमारे दिमाग भी खराब होता है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे बहकाते हैं, तो वो सब चीजों में आपको जाना नहीं है, क्योंकि धर्म क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान बहुत सारी चीजें बच्चे संविधान में बहुत सारी चीजें जो आप लोग पढ़ोगे, बड़े होगे, समझोगे गहराई से हमारा संविधान क्या, उसके लिए तुम लोगों के दिल में इज्जत बढ़ेगी, बहुत कुछ बताया। और उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, घर बनवाते हैं, घर बिगड़ता है तो हम लोग उसका रिन्यू करवाते हैं, नया करवाते हैं। उसी तरह संविधान में भी 100 बार संशोधन हो चुका है, उसी तरह कुछ नए कानून बनते हैं। ठीक है, और वो कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। कौन बनाता है, वो नेता जिनको हम चुनते हैं, जिसका अधिकार हमें मिला है कि हम कौन से नेता को चुनते हैं और संसद में लाते हैं, उन नेताओं को हम चुनते हैं, वो हमारा अधिकार है। वो नेताओं का अधिकार क्या है, वो कानून बनाते हैं हमारे पक्ष में, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, वो सभी चर्चाएं होती है और फिर वो जाके कानून पास होता है। उसी तरह का एक कानून पास हुआ है LRA CAA मतलब सीनियर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल। ये वो बिल है जिसके तहत जो हम लोग समझ में आ रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये जो बिल के ऊपर हम चर्चा हो रही है आजकल न्यूज चैनल बहुत हम लोग देख रहे हैं, दुनिया भर के दंगे हो रहे हैं या दंगल प्रदर्शन, ये सब दुनिया भर में चल रहा है। ठीक है, तो मैं उस पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, हेलो ये कोई ऐसा कुछ है नहीं ना, अरे तू बोल, अरे मेरा एरिया ये, मैं आके बोल दे जरा सा, बोले समझदारी वाले। तो आप लोग मैं ये बता रहा हूँ, CAA जो है उस बिल जो कानून पास हुआ है, ये कानून के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। आजकल बहुत बढ़ने वाले शाहीन बाग दिल्ली में देख लो, बच्चों बच्चों के बच्चे बच्चे लोग नारा लगा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि यार कपड़े कैसे बदलते हैं, वो लोग भी ये सब चीजें बोलते हैं, तो वो सब भाई कानून आपको नहीं आना है। समझदारी ये मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कानून क्या है। कानून बनाया गया है कि जो दूसरे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ पे भी कुछ हिंदू रहते हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम हिंदू सब, या तो सब सब जाति के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, हमारा देश जो धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख
ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसी को बोलते धर्म निरपेक्ष देश। सबको अपने धर्म की आजादी है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। यही संविधान में हमको अधिकार मिला है, ठीक है। तो ये जो बिल है, इस बिल में ऐसा है कि जो बाहर देश में हमारे जो लोग रह गए, बांग्लादेश पाकिस्तान से जो लोग रह गए, हमारे इंडिया के, पहले वो इंडिया ही था, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले इंडिया ही नहीं था। 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश अभी नहीं बना, अभी पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान में बंटवारे के बाद जब कुछ लोग वहां पे हमारे हिंदू लोग रह गए, तो वो लोग वहां पे जब परेशान करके, पाकिस्तान पता ही कैसा देश है आप लोगों को, पता ही नहीं पता। तो वहां पे जो हिंदू रह गए, वो हिंदुओं को सताए, वो हिंदू लोग यहाँ पे चले आए, और भी जो सरदार या फिर बहुत जो भी धर्म के लोग यहाँ पे चले आए, तो उनको सिर्फ नागरिकता यहाँ की दे रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे अपने वोट देने का अधिकार उनको मिल जाए। संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, वो उनको भी मिल जाए, ठीक है। सिर्फ ये कानून बना है, लेकिन आज की जो यहाँ पे नेताओं कुछ है, मौलाना कुछ धर्म पंडित जो पैसों की लालच में नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। हमको लगता है यार सही कह रहे हैं, हमको जानकार जानकारी लेते नहीं, बस सुन लिए और चलते। तो अगर ऐसा कहीं भी कोई बोले तो उस पर भरोसा नहीं करना है। मैं भी कह रहा हूँ, मेरे बात तो भरोसा मत करो, घर पे जाओ, इंटरनेट है, उसको पढ़ाई करो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो, कुछ करना नहीं है, सही है, अपना चुपचाप, ठीक है। बच्चों को भड़काया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, भड़का किसी के नहीं आना है। कानून जो बना है सिर्फ कितना ही बना है, और भैया जो एनआरसी, एक एनआरसी के नाम पर लोगों को भड़क बनाया जा रहा है, मैं आप लोग बता देता हूँ, एनआरसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एनआरसी लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं बता दूँ, थोड़ा सा बता दूँ, एनआरसी ऐसी चीज होती है जहाँ पे लोगों को नागरिकता की पहचान की जाती है कि आप कहाँ किस देश के नागरिक हो, किस देश के वोट भी नहीं होती, उसमें आपका अपना आईडेंटिटी कार्ड और नहीं होगी उसको बनवाया जाता है, और नहीं तो फिर उसी लोग अलग प्रोसीजर है, भाई यहाँ पे इस देश का नागरिक नहीं है, तो चल चल। ये अभी कुछ भी ऐसा नहीं बना है, लोग जो नेता लोग है ना, नेता लोगों को पता ही है, ये लोग वोट लेने के चक्कर आते हैं, तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, या फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे अच्छे हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। तो एनआरसी वनआरसी जैसी चीज कोई भी नहीं है, उसी पर भ्रम फैलाया गया है। सिर्फ तुम लोग ये जानो कि सीएए जो कानून अभी बना है, संविधान में नया कानून अभी पास किया गया है, जो मोदी जी की सरकार में आया है, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार ने ये बिल पास करवाया है। तो ये बिल में सिर्फ इतना ही है कि जो लोग वहां से आए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, लेकिन जो यहाँ के नेता है बच्ची पार्टी लोग हमेशा ही काम रहता है कि वो लोग अच्छी चीज को पूरा बन रहे, ठीक है, उसके लिए वो भड़काते हैं, बहकाते हैं, तो वो बहकाने में किसी को नहीं आना है। ये अपना देश है, यहाँ के नागरिक सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यही है, पूरा देश हमारा है। कोई ये कहता धर्म के नाम पे तुम लोग का नहीं है, हमारा है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं आना है किसी को, समझ रहे हो, हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं आना है। कोई तुमको उकसाएगा, कोई हिंदू लड़का ही उकसाएगा, अरे चल तेरा देश नहीं, तू पाकिस्तान जा, ये तुम्हारा देश है, हमारा देश है, तुम्हारी जी है, हम लोग एकदम खास दोस्ती है, क्या ये हमारा देश है, हिंदुस्तान है। तो इसके लिए हमको यहाँ के कानून, संविधान, हर चीज फॉलो करना है। देखो क्या होता है, हम धर्म हमारी हमारा ठीक है, हमारा धर्म है, मुस्लिम है, हम हिंदू है, वो अपनी जगह है, बराबर, तो मुस्लिम हो, हम हिंदू हो, अपनी जगह है, तो अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, जो नमाज पढ़ते हो, पूजा करते हैं, खुदा भगवान सब एक है, ऊपर वाला सब एक है, ठीक है, इबादत करने की, पूजा करने की जो ये होता है वो अलग अलग है, लेकिन मानते किसी को हम सब एक ही चीज, ऊपर वाले, तो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है धर्म के चक्कर में, ये सब तुम लोग जो हो, तुम लोग फ्यूचर हो देश के, तुमको क्या सोचना है, देश के बारे में सोचना है।
दुनियादारी के बारे में नहीं सोचता, कौन क्या करता है देखकर करने लगता है। सही चीज पहचानना है, समझना है और उसके आगे बढ़ना है। पढ़ाई भी फोकस करना है, सही शिक्षा ग्रहण करनी है, सही शिक्षा प्राप्त। कुछ कुछ कंफ्यूजन है तो लोगों को इसलिए सुनने को अगर देश में माहौल मिले पाए सर है उनको आगे पूछू सर ऐसी ऐसी बात मैंने सुना है फिर ऐसा समझे बंद पूछा ऐसे किसी के बहकावे में नहीं जाएगा। ठीक है समझ गए। कल 26 जनवरी है रिपब्लिक डे का, तुम लोग को मीनिंग बताया मैंने। हमारा संविधान लागू होता, संविधान में सिर्फ ये है हमको हमारा नागरिकता मतलब नागरिक को अधिकार मिला, नागरिक को यह अधिकार मिला कि हमको देश चलाना है, कैसे चलाना है अपने नेताओं को छोड़कर, वो वोट 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 का अधिकार, मौलिक अधिकार ये सब मिला है। ठीक है कोई हिलेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, रिस्पेक्ट करो इसकी, समझे। तो टैक्सी वाला कोई गैर नहीं है,
वहाँ पहुँचने मेरे को कम से 45 मिनट तो लगेगा। ऐसा नहीं सोचना कोई टैक्सी किसी और टैक्सी में बैठ के आ रही है, घर की टैक्सी हो, घर के लोग हैं। निकला तो मैं कॉल जो जो जन आना चाहते हैं, जैसे कि इमरान है, स्कूल जाएगा, विशाल है और मालती है ना, इस, अगर इसका बताया नहीं आपने क्या होता है बिट मैप जो होता है ना, ये हो जाए पकड़ दोस्तों, देखो ना समझा दो कि कर सकते हैं। हां आ जाए ये टारगेट बिट मैप इससे वीडियो में कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे तेरे कस्टम हो जाता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसमें रहता है। इतना इतना रिंग है ना, रिंग चलाते हैं, टारगेट फुल फुल आए यही तो है जिसका डिस्प्ले लगा है, डिस्प्ले नहीं चालू हो, चालू खाली ऊपर से चमड़ी डालना है। हाँ तो वही ये से पूछने आया यहाँ पे, ये अगर तेरे रेंडर कर रहे थे तो यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी किया यहाँ पे, क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना, इधर से वेट कर दी जमीन जहाँ से करो। अगर कल बाकी ये सब कुछ नहीं करना है ऐसा, तो अगर कल परेड नहीं रही ये नीचे वाला भी छोटा ही है, खेलेंगे और खेलने के बाद फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे सब कुछ उसको पड़ेगा। समझ में आया ना, और अभी मेन समझ गया ना, उसके बाद वीडियो डाल।